इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। फिर सिद्धरामैया ने आरएसएस को बनाया निशाना। कांग्रेस और भाजपा की जबानी जंग जारी है। एक बार फिर आरएसएस और भाजपा को निशाना बनाते हुए साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने संघीय विचारधारा के लोगों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुछ भी नहीं किया है। वजीर आजम मोदी अभी पैदा भी नहीं हुए थे तब से कांग्रेस पार्टी जंगे आजादी में अपना किरदार निभाती आई है। बेंगलोर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर बतौर मेहमान खुसूसी सिद्धरामैया ने हमेशा की तरह आरएसएस भाजपा संघ परिवार पर हमला करते हुए कहा कि अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी में अपनी कुर्बानियां पेश की है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान ही है। वाज रहे इससे पहले भी कई मरतबा साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने सावरकर गोडसे संघ विचारधारा हिंदुत्व पर सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए देश विरोधी ताकतें साबित करने की कोशिश की। गोडसे देश का पहला दहशतगर्द, इन्हीं आरएसएस की विचारधारा की पैदाइश है, ऐसा भी उन्होंने इल्जाम लगाया था। सावरकर को वीर कहना नाइंसाफी है और अंग्रेजों की गुलामी कर माफी मांग अपनी जान छुड़ाने वाले तक कहा गया था। एक बार फिर वजीर आला को निशाना बनाते हुए कहा कि महज वाले भाई पटेल की मूर्तियां लगाकर देशभक्ति का सबक पढ़ाने की कोशिश ना करें। वैसे भी साबिक वजीर आला सिद्धरामैया हमेशा किसी न किसी तरीके से आरएसएस और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहते। अब देखना यह है कि अगला जवाब भाजपा क्या देती। पानी में गिरने से दो लोगों की मौत। पांव फिसलकर पानी में गिरने से दो लोगों की मौत यम के हुबली तालाब में हुई है। पांव फिसलकर गिरने से दो अपराधों की मौत के बाद मातम छाया हुआ था। डूबकर मरने वाले में एक की शनाख्त हो चुकी है जिसका नाम कांतेश भीमप्पा बड़गेर जो कन्नूर गांव से गोकाक का है, तो दूसरे की तलाश जारी है। इत्तला के मुताबिक कांतेश बड़गेर कन्नूर से अपने भाई के यहाँ यम के हुबली कल रहने के लिए आया था पर हादसे में इसकी जान चली गई। मामला कितुर पुलिस थाने में दर्ज है। दीपावली के मद्देनजर बेलगाम शहर और अतराफ में फिर से रात के कर्फ्यू का ऐलान बेलगाम इंतजामिया की जानिब से किया गया। रात का कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आरटीपीसीआर की सख्ती भी रहेगी ऐसा भी कहा गया। दिवाली के मद्देनजर 1 नवंबर से हरे पटाखे ही इस्तेमाल करने की हिदायत हुकूमत की जानिब से दी गई। बाजार में दिवाली की सरगर्मियां देखी जा रही है। जाहिर है कल 1 नवंबर कर्नाटक राज्योत्सव है लेकिन इस बार पुनीत राजकुमार की मौत के बाद बड़े पैमाने पर राज्योत्सव न मनाने का फैसला सभी कन्नड़ तंजीमों की जानिब से लिया गया है। हासिल इत्तला के मुताबिक जुलूस में 500 से भी ज्यादा अफराद जमा न होने की भी बात कही गई। घर लौटने वाले मजदूर का कत्ल। अब बेलगाम शहर और अतराफ में भी जुर्म की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। बैलोंगल में कल रात बसवराज नैकर जो टाइल्स की दुकान में काम करता था, जो मजदूरी भी करता था, किसी ने लोहे के हथियार से सर पर वार कर कत्ल किया। रात को काम कर तिगड़ी अपने घर वापिस लौट रहा था, इस वक्त यह हादसा पेश आया। मामला बैलोंगल पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। असद खान दरगाह इहाते में पौधे लगाए गए। आज असद खान दरगाह इहाते में कैंटोनमेंट बोर्ड और गजाली वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 240 से भी ज्यादा पौधों को लगाया गया। इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड के आलाप सरान और गजाली वेलफेयर सोसाइटी के कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद रहे। आज बेलगाम शहर में धुआंधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा नजर आया। एक बार फिर बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल ही खोल दी। गटर नाले पानी से भरे हुए नजर आए जिससे सड़कों पर भी पानी दिखाई दिया। अहम खबरों के बाद एक खास मुलाकात ऐसे शख्स की जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियासती सदर हैं। इनका नाम है यासर हसन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तमाम शोबों में अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दे रहा है, लिहाजा आज उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला। आइए देखते हैं एक मुलाकात यासर हसन से। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासती पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रियासती सदर जनाब यासिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेलगाम शहर में कौमी लीडरान कम्युनिटी लीडर्स से वो मुलाकात कर एक इजलास को उन्होंने मुनक्कद किया गया था। आज वो बेलगाम शहर में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यासर हसन साहब, आपका खैर मकदम इस्तकबाल। शुक्रिया। जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्की सतह पर कामों को अंजाम दे रही है और मुसलमानों की जो हालात मौजूदा दौर के जो देखे जा रहे हैं, चारों तरफ से हर लिहाज से हर शोबे में
इल्मी हो, समाजी हो, माशी हो, तमाम मामलों में मुसलमानों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम बारह लगाया जाता है। और बेबाकी के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका मुँह तोड़ जवाब देते हुए भी देखा जाता है। लेकिन जिस दिशा में मुल्क जा रहा है, क्या वाकई ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस लोकतंत्र के लिए, इस जमहूरियत के लिए कितना ख़तरनाक है और इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अभी हाल में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वीडेम नाम का, स्वीडन का, वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, पूरे दुनिया भर के मुल्क में वहाँ कितना जमहूरियत है इसकी स्टडी करने वाली एक इदारा है। तो उन्होंने पूरे जो दुनिया के 193 मुल्कों का जायज़ा लिए और उसमें 27 जो मुल्कों को लिस्ट किए हैं जी। उसमें नंबर वन इंडिया है। उन्होंने ये कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है, मतलब डिक्टेटरशिप है। आप देखेंगे एक मुल्क में सिर्फ एक इलेक्शन रहने के वजह से उस मुल्क को जमहूरी मुल्क नहीं कहा जा सकता है। तो इंडिया में यही सिचुएशन है, यहाँ इलेक्शन है लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। जमहूरियत मतलब कोई एक इमारत की नाम नहीं है, डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन होता है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, मीडिया है। अफसोस ये है आज इंडिया में जो फैसिज्म है आरएसएस और बीजेपी का, ये पूरे जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स को कब्जा किए हुए हैं। तो पूरे जो लेजिस्लेचर में वो लोग काबू बन गए हैं और आज इंडिया को पोलराइजेशन के ज़रिए से बांट दिया गया है। ये ख़ास कौम को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के अंदर इस तरह का एक गलतफहमी, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक जहर फैलाया गया है। ये मुल्क के वफादार नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में है, मुल्क खतरे में है। और किससे खतरे में है? मुसलमानों से खतरे में है। तो यही तो हिटलर ने किया, हिटलर यही किया। यह एक ख़ास कम्युनिटी को, यहूदी कम्युनिटी को, आम जो जर्मनियों के जहनों के अंदर एक जहर बोया है, ये जब तक इस यहूदी कम्युनिटी को ख़त्म नहीं करेंगे, कमज़ोर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग एक खुशहाल जर्मनी नहीं बना सकते हैं। तो यही तो आज हिंदुस्तान में जो आरएसएस की फैसिज्म यही कहती है, इंडिया के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न बनाओ और इनको मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी बनाओ, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी बनाओ, इनसे मुल्क को ख़तरा है। ये एक साजिश है। जैसा कि आप पढ़े होंगे, पिछले 6 महीना पहले यूएन के नीचे एक जो इदारा काम करती है उसके नाम है जिनोसाइड वॉच, उन्होंने यही जो रिपोर्ट दिए हैं उनका काम भी यही है। दुनिया भर में जहां जिनोसाइड अब तक हुआ है, जर्मनी जैसे, रुवांडा जैसे, जो मुल्कों का मिसाल भी वो लोग दिए हैं, अगर ये जो पोलराइजेशन है हिंदू मुस्लिम के नाम में जो पोलराइज किया जाता है, इसके अंत जो है, इसके जो रिजल्ट जो है वो जेनोसाइड से ख़त्म होता है। इसी तरह हिटलर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आया है, आकर वो अपने जो इख्तदार की पावर को इस्तेमाल करके, पूरे जो मिशनरी को इस्तेमाल करके, ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को ख़त्म किए। 1996 में अब रुवांडा में यही हुआ, जो टूटू कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, तुत्सी कम्युनिटी को टारगेट करके सिर्फ 3 महीने में 10 लाख लोगों का कत्लेआम किए हैं। तो ये मैं या पॉपुलर फ्रंट नहीं कह रहा है, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूएन के नीचे काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है कि इंडिया में इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है, और यहाँ पर ये जो पोलराइजेशन के वजह से अनखरीब में एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। तो इसकी जो सिम्टम्स आज हम त्रिपुरा में देख रहे हैं, इंडिया के मुख्तलिफ जगह में लिंचिंग के ज़रिए से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटी या दलित के ऊपर हमला करने वाले यहाँ के आम हिंदू हैं, और उन लोगों के अंदर ये जहर फैलाने के वजह से वो मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं और उनको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करके मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी ख़तरा है हिंदुस्तान के लिए। इससे हमें, इस चैलेंजेस से हमें मुखातिब होने की, इससे खिलाफ काउंटर करने की, इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है।
कैसे लड़ पाएंगे सर, जैसे कि आपने कहा कि अभी अदलिया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई सारे, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया कि हिंदू एक कल्चर है और मुसलमानों का जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो इस तरह के फैसले। फिर बाबरी मस्जिद का भी हमने देखा कि एविडेंस नहीं है, किसने शहीद किया, क्या किया, जबकि पूरी दुनिया ने देखा था। क्या ऐसे वक्त में एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो अदलिया जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, ये क्या बरकरार है? अगर नहीं है तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। अब देखिए, दुनिया में जो जहाँ भी फैसिज्म जो आया है उसका एक लंबी उम्र नहीं होता है, लेकिन देखिए जो आप फैसिज्म को एक अवामी तहरीक के ज़रिए से, एक मास रेसिस्टेंस के ज़रिए से ही आप इसको रोक सकते हैं। फैसिज्म किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, जो कोई भी फैसिस्ट लोगों के उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ है उन तमामों को वो दबाएगा, ख़त्म करेगा। आज आप देखिए जितने प्रोग्रेसिव जो लीडर्स UAPA के तहत जेलों के अंदर है, आज जो फार्मर्स के खिलाफ किस तरह वो लोग उनको उनके हुकूक छीन रहे हैं, एक साल से वो लोग रास्ते में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनके पूछने वाले सुनने वाले नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि जितने भी जो मजलूम तबकात है, जो यहाँ के सेक्युलर जो माइंडेड जो आम जो लोग है, तो उन लोगों के अंदर ये बेदारी लाना होगा, उनको ऑर्गेनाइज करना होगा। जो लोग भी इस फैसिज्म के खिलाफ आज उठ खड़ा हो गए हैं, जो स्टूडेंट्स जो आप देखेंगे, आप JNU के ज़रिए से, जामिया मिलिया के ज़रिए से बहुत बड़ा एक मुहिम चलाए वो लोग CAA NRC के ख़िलाफ़, और आज जो फार्मर्स जो रास्ते में उतरे हुए हैं, पूरे जो इंडिया के फार्मर्स मुनज़्ज़म हो रहे हैं। तो हम लोगों को इस तरह की जो मूवमेंट है, जो एंटी फैसिस्ट जो मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर है, उनके साथ एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस करना होगा। अलायंस करके एक मास रेसिस्टेंस के ज़रिए से, एक मास मूवमेंट के ज़रिए से फैसिज्म को और ये जो पोलराइजेशन को हम लोगों को रोकना होगा। जब हम इसमें कामयाब होंगे तो फैसिज्म के लिए ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होगा। नहीं, जैसे पॉलिटिकली आपने कहा कि मुसलमान सबसे ज़्यादा बिखरा अगर कोई माशरा है तो वो मुसलमान है, हर लिहाज से, किसी भी पार्टी में देखो आप, वो MIM हो, कांग्रेस हो, फिर कई सारे BJP में भी है, समाजवादी, बहुजन समाज, आम आदमी पार्टी, फिर SDPI भी है। अब अगर SDPI एक जगह पे खड़ी होती है और पांच मुसलमान पांच पार्टियों में अगर अपना अपना वोट दे देते हैं तो वो तो बिखरते हैं, और जब इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए से जब कोई इख्तदार में आता है तो फिर आप कैसे उसको तोड़ सकते हैं? खुद मुसलमान ही बिखरा हुआ है, और दूसरी तरफ ये है कि उस तरफ मुसलमानों का डर दिखाकर अक्सरियत हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है, तो ये जंग कैसे जीती जा सकती? नहीं देखिए, आप अभी जो फैसिज्म को BJP को हराने का जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर आ गया है। आप देखिए, आप जो लास्ट जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो UP में जो पार्टियां जो अलायंस किए, SP हो, BSP हो, RLD हो, लेकिन ये पूरे मिलकर भी BJP को हरा नहीं सके हैं। परसेंटेज ऑफ वोट आप देखेंगे इनसे ज़्यादा BJP लिए हैं। आप जो कर्नाटक के लेकर देखिए 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में, यहाँ पर जो कांग्रेस और JDS मुत्तहिद होकर अलायंस होकर लड़े, लेकिन उसके बावजूद BJP को हरा नहीं सके। उससे पहले 17 जो सीट था 25 सीट में पहुंच गया वो। अब मसला आप देखिए, आप यहाँ पर जब तक पोलराइजेशन को आप रोक नहीं सकते हैं, जो यादव वोट आज SP को नहीं मिल रहा है, जो दलित चमर की जो वोट है BSP को नहीं मिल रहा है, जाट की वोट RLD को नहीं मिल रहा है, तो इतना पोलराइज हुआ है, जो हिंदू जो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो वोट, उनके कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी को, उनके बेस वोट उन्हीं को नहीं मिलता है। तो आज हम लोग क्या है, हमारे सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमारा वोटिंग पैटर्न क्या है, हमेशा हम लोग कहते हैं कि BJP को हराने के लिए हम लोग वोट किए हैं, लेकिन हम जीतने के लिए या हमारा हक हासिल करने के लिए पॉलिटिकली हम लोग तकवियत बनने के लिए, एम्पावर होने के लिए हमारे पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहा है। तो हमें हमारा सोच को हमें बदलना है। हम लोग सिर्फ BJP को हराने की जो सोच में जाएंगे, कभी भी हमें सियासी तौर पर हम लोग क्या नहीं हो जाएंगे, डेवलप नहीं हो जाएंगे। हमारा एक बहुत बड़ी वोट बैंक है, अगर हम लोग कोशिश करें तो 125 पार्लियामेंट्री सीट में हम लोग डिसिसिव है, लेकिन क्या है, हमारे जो पॉलिटिकल जो बेदारी हमारे अंदर वो नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एक BJP को हराने के लिए दूसरे एक सेक्युलर पार्टी को हम लोग वोट डालते हैं, लेकिन आज सेक्युलर पार्टी का रवैया क्या है,
आप पूरे जो बीजेपी के रास्ते में ही चल रहे हैं। तो हिंदू वोट बैंक के वजह से वो लोग आज मुसलमानों को खरीब करना भी गवारा नहीं करते हैं। अब जितने भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो, त्रिपुरा के इतना बड़ा जो फसाद हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रास्ते में उतरे हैं, कौन एजिटेट करे हैं, तो वो आज हिंदू वोट बैंक को जो डरते हैं। तो इसलिए हमें पॉलिटिकली हम लोग शऊर होना चाहिए, तो हम लोग पॉलिटिकली मुनज़्ज़म होना चाहिए, हमारे कम्युनिटी के अंदर बेदार होना चाहिए। सिर्फ एक पॉलिटिकल मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से काम नहीं चलेगा, जो उनके इलाके के एतबार से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो मुसलमानों के इनिशिएटिव में है वो नेगेटिव नहीं है। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो लोग आपस में वो मुत्तहिद हो जाएंगे, अलायंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकली एक स्ट्रेटजी बना के हमें आगे जाना होगा। जिस तरह से मुसलमान एक बिखरा हुआ तबका है, आज भी मसलकी जहर हमारे जहनों से नहीं निकला हुआ है। हमें क्या करना है, किस सिमत में जाना है, हमारे पास कोई जो है एक रोड मैप नहीं है। उलमा कहीं तो भी खामोश नज़र आ रहे हैं। तो इसको इतनी बड़ी कम्युनिटी जिस कदर बिखरी हुई है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो इत्तेहाद कहाँ नहीं है, इत्तेहाद हमारे लीडरों के बीच में नहीं है, उलमाओं के बीच में नहीं है, अवाम तो मुत्तहिद है। तो हमें इन उलमा या इन जो लीडरों के दरमियान में जो ना इत्तेफाकी को देखकर उम्मत के अंदर इत्तेहाद नहीं है, ये नहीं समझना है। हमें तो उम्मत के पास जाना है, हमें तो कम्युनिटी के आम लोगों तक पहुंचना है, उन लोगों को हमें साथ में लेना है। उन लोगों को ये हालात से वो लोग वाकिफ नहीं है, सिचुएशन उनको मालूम नहीं है। तो उनके अंदर बेदारी लाएंगे तो खुद ब खुद लीडर भी क्या हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। हम अवाम को मुत्तहिद करेंगे तो पूरे कम्युनिटी मुत्तहिद हो जाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कम्युनिटी में इत्तेहाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव माइंडसेट है। तो ऐसा नहीं है। तो जितने भी ज़माना हम लोग ये बोलते रहेंगे कभी कम्युनिटी मुत्तहिद नहीं होगा। तो हम इसीलिए पॉपुलर फ्रंट हम कम्युनिटी के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये एहसास जो दिला रहे हैं, ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलर फ्रंट जो जहाँ कहीं भी जो जा रहे हैं, तो आज अवाम हमारे साथ में है। और ये फैसिज्म को जो हराने के लिए और मुसलमानों की और जितने भी मजलूम तबके की जो एम्पावरमेंट के लिए आज वो लोग हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। एक पुराने सवाल की तरफ आऊँगा सर, जैसा आपने कहा कि यादव को वोट नहीं कर रहा, जिस तरह से अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर अगर मुसलमान अकलियत हैं तो वो वहाँ पर वोट दे, या तो फिर अगर बिहार में है, बिहार में तेजस्वी यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, इस तरह से अगर सेक्युलर पार्टियों को वोट देकर क्या मुसलमान यहाँ पर सेक्युलर हो सकता है? नहीं, ये तारीख गवाह है। 70 साल में हम पहले कभी कांग्रेस को वोट करते थे 92 से पहले, बाद में मालूम हुआ हमें बाबरी मस्जिद के लिए कांग्रेस भी एक जिम्मेदार है, तो वहाँ से हमें पलट के दूसरे जितने रीजनल पार्टीज़ के पीछे गए। तो उसके बाद में हम लोगों को रियलाइज़ हुआ तो कोई भी हमारे पुरसाने हाल नहीं है। जितने भी जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल जो पार्टियाँ हैं, वो कोई आपके जो मफाद के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके हुकूक़ के लिए, आपके इंसाफ के लिए वो लोग लड़े नहीं है। आज भी हम लोग हिंदुस्तान के मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो इसे हमें समझना है। तो हम लोग, हमारा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो हमारे वोट बैंक बिखरा हुआ है, तो हम वोट हमारे लिए करें। कोई अगर पार्टी के तौर पर नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर उस इलाके के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, आज यादव मुत्तहिद हो रहा है, जाट अपने कौम के नाम में मुत्तहिद हो रहे हैं, या दूसरे जो बैकवर्ड कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी मुत्तहिद हो रहे हैं, मुसलमान अपने हक के लिए पॉलिटिकली क्यों मुत्तहिद नहीं हो सकता है? वो मिलकर बात मैं आपके बात काटने की कोशिश करूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को एक मुस्लिम लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा है। SDPI है, PFI है, फिर ये MIM है, मुस्लिम लीग है, फिर वहाँ पर अजमल साहब उनकी पार्टी है, तो ये तमाम, अगर हर कोई अगर इस तरह से, पहले ही हम अकलियत में है, अगर हर कोई अपने आप को मुसलमान का लीडर साबित करने की कोशिश करेगा, तो क्या हम इसमें फैसिस्ट ताकतों के खिलाफ जीत सकते हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और सब पार्टी का सब जगह पहुंच नहीं है,
उन उनके इलाके में जो वो लोग जो काम कर रहे हैं वो पॉलिटिकली मुत्तहिद हो रहे हैं, हैदराबाद बेस्ड होकर आज MIM काम कर रहे हैं, असम बेस्ड होकर AUDF जो काम कर रही है, और SDPI पूरे नेशन वाइड में जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब जो कोशिश है आखिर एक ही प्लेटफॉर्म में आने की दिन दूर नहीं है। तो सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी में सब लोग जुड़ना ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो वक्त आएगा, वक्त लगेगा, देर होगा, अंधेर नहीं होगा, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये सब एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब तक वो अपने तौर पर ये पॉलिटिकली बेदार करने की कोशिश करें, उसे हम लोग वेलकम करना चाहिए। और भी दिगर जैसे कि दलित भाई हैं, फिर हमारे बामसेफ हैं, कई दूसरे भी दिगर तंजीमें हैं जो फैसिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये एक जंग अलग चल रही है। तो जिस कदर इसके तमाम जद्दोजहद के बावजूद भी भाजपा, संघ परिवार, बजरंग दल, RSS हर रोज एक कदम आगे की तरह इस जुल्म की दास्तान रकम करते हुए जा रहे, कैसे रोक पाएंगे? यही मैं कह रहा हूँ। मैं देखिए, आप जितने भी जो पूरे इंडिया की जो हिंदूस है वो कम्युनल नहीं है, वो एंटी मुस्लिम नहीं है, 1-2% जो, लेकिन अक्सर लोग खामोश हैं, ये भी तो मसला है। नहीं, यही जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो ब्राह्मणों की जो एजेंडा है, जो RSS की जो एजेंडा है, उनकी बहुत बड़ी कामयाब ये है, जो आम हिंदू है, इंडिया के हिंदू बहुत अच्छे हैं, वो सेक्युलर है वो, लेकिन उन लोगों के अंदर एक डर बिठाया गया है मुसलमानों को दिखा के, उनके अंदर इस तरह एक इनसिक्योरिटी फीलिंग पैदा किया गया है, तो वो इनसिक्योरिटी फीलिंग को निकालना होगा। तो इसके लिए जो लोग भी आज फैसिज्म के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जितने भी जो इदारे हैं, जितने भी जो तबका है, उन सबको साथ में लेकर उनके अंदर एक एतमाद हमें पैदा करना होगा। मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन कौन है उनको दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को उनका पहचान कराना पड़ेगा। जब इन लोगों को उनके असली जो दुश्मन को आप पहचान कराएंगे, आप उनके दिल जीतने में, एतमाद हासिल करने में कामयाब होंगे, तो ये वो दिन दूर नहीं है जो इंडिया के पूरे जो सेक्युलर जो कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, बेशक फैसिज्म के खिलाफ उठ खड़ा हो जाएंगे, और ये फैसिज्म जल्द से जल्द यहाँ से निस्तनाबूत होने वाला है, इसमें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक रियासती सदर जनाब यासर हसन साहब। उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में बताया कि किस तरह से फैसिस्ट ताकतें ख़त्म होने वाली है, यह बहुत दूर तक नहीं चलने वाली है। लिहाजा उम्मीद करते हैं, और ये जिम्मेदारी हम सब की है, इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने की ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी तक इस बात को, इस पैगाम को पहुँचाए कि ये मुल्क की खूबसूरती ही हमारी एकता अखंडता में है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात फिर से साजगार होंगे और फिर यही मुल्क सुजलाम सुफलाम बनकर फिर से उभरेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।